जी, तो ये मेरी लाइट है, थोड़ी सी पीली पीली लग रही है। एक क्लिप ये है, ठीक है, साइड पे क्लिप कोई भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, नीचे भी कोई। शाइन नजर आए, ठीक है। और जो मैं चीज अप्लाई करने लगा हूँ वो क्या है, चले मैं बताता हूँ। 2000 years later. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ। आप लोगों को बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक वीडियो बना रहा हूँ गाड़ी की, जो हेडलाइट है जिसके ऊपर फ्रंट का ग्लास लगा होता है उसको कैसे क्लीन करते हैं। दो तीन एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाई है वीडियो और उसके मुतालिक, फिर मैंने आज मैंने कहा चलो एक डिफरेंट तरीके से भी, मेरे पास एक और तरीका भी, मुझे किसी ने बताया था, वो भी एक एक्सपर्ट बंदा था तो उसने मुझे बताया था, तो मैंने कहा चलो मैं इस दफ़ा इस तरह वॉश करूँगा। सिंपल, उसको मैंने शैम्पू से और ये सर्फ के पानी से मैंने उसको सही तरीके से वॉश करना है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक और चीज़ अप्लाई करनी है। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो जुड़े रहे मेरे साथ। जी, तो ये मेरी लाइट है, थोड़ी सी पीली पीली लग रही है मुझे, तो मैंने इसको सबसे पहले उतारना है, फिर दूसरे वाले को भी उतारना है। तो पहले मेरी जो ये जो क्राउन था अंदर से, वो ब्लू शेड इफेक्ट देता था, ठीक है। वो आस्ता आस्ता लाइट जब आपको, मतलब जब आप ऑन करते हो तो उसके साथ वो फेड होता जाता है, वो फेड मतलब हो के ख़त्म होकर वाइट ही हो गया है। मगर अदरवाइज मैंने इसको क्या कहते हैं ओपन करना है, तो चले टाइम नहीं ज़ाया करते, जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ। मेरा तो आसान तरीका है बिल्कुल, मैं इसको ईजिली ऐसे देखें यूँ करके इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके सामने है मेरी गाड़ी का, ये निकलता है, ठीक है, ये क्राउन यहाँ से निकला, ठीक है। वेट कीजिए, मैं ये एक क्लिप ये है और एक क्लिप ये है, ठीक है, साइड पे क्लिप कोई भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, नीचे भी कोई क्लिप नहीं लगा हुआ, मगर आपको ये खोलना पड़ता है। तो मैं फिर भी वीडियो को ऑफ करके इन्हें ये निकल आया, ठीक है। ये देखें जी, इसमें देखें हल्का सा ब्लैक ब्लैक पीला पीला शेड आया हुआ है। इसको अच्छे से हम वॉश करेंगे और फिर इसको वापस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तब तक देखें जी, बड़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें ये धूल पता है क्यों जाती है, एक तो इसकी यहाँ से देखें ये सारी सील जो है ना ये ओपन है, तो ये मैंने खुद ही ऐसे रखा है कि बंदा एक ही दफ़ा बस खुद ही साफ़ कर लेता है, ठीक है। इसको भी मैं आपके सामने ऐसे मार रहा हूँ, ठीक है। ये लाइट को मैंने ऑन कर दिया है ताकि आपको इसमें शाइन नज़र आए, ठीक है। और जो मैं चीज़ अप्लाई करने लगा हूँ वो क्या है, चले मैं बताता हूँ। इस क्राउन को भी देखें, ऐसे साफ़ कर लेना है अच्छे से, ठीक है, इससे पहले ये सारे क्राउन को। अच्छा जी, तो ये जो है ये देखें जी, इस तरह क्राउन को अच्छे से आप साफ़ कर लें और अगले वक्तों में इंशाल्लाह मैं नए क्राउन लगवाऊंगा इंशाल्लाह। ये दोनों मैंने चमका दिए हैं, तो मगरब का टाइम हो गया है और नमाज़ का टाइम हो गया है, नमाज़ जल्दी से पढ़ते हैं फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो नमाज़ ज़रूर मेरे भाइयों, नमाज़ पहले है, ठीक है। अच्छा जी, तो वो चीज़ ये है लस्टर, सिर्फ 10 रुपये का लस्टर, ठीक है, जो मैंने शाइन कर दिया, ठीक है। नमाज तो पढ़ ली खैर से और शाम हो गई है, मगरिब हो गई है, इसलिए वीडियो में अब लाइट लगा के कर रहा हूँ।
चेंज कर रहा है। इसी वजह से मैं थोड़ी शाम को वीडियो बना रहा हूँ। कैमरे की मैंने लाइट भी ऑन कर दी अपने, क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट बंद थी। तो चलें इसको लाइट्स को फिट करते हैं। तो ये देखें जी, मैंने कैमरे की भी लाइट ऑन की हुई है। क्राउन के अंदर मैं लस्टर लगा रहा हूँ ताकि इसमें भी सही शाइन आ जाए। देखें जी, लस्टर हर चीज़ के लिए होता है। ये लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्लैक के लिए होता है, ब्लैक के लिए नहीं होता भाई। लस्टर बना ही इसीलिए है कि इससे आपके जो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या उसमें है, शाइन आती है। ठीक है जी, तो ये देखें मैं आपके सामने इसमें लस्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा सूखने देता हूँ। अभी ये वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भाई बहुत मेहनत करता हूँ मैं, अपनी वीडियो में बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि गाड़ी मेरी अपनी है तो मैं उसको फूलों जैसे रखता हूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी मेहरान को फूलों जैसे रखो, जैसे मैं रखता हूँ। तो बहुत मेहनत करता हूँ। आपको चाहिए कि लाइक सब्सक्राइब वीडियो में लाजमी करें, और दूसरी बात ये कि शेयर भी करें। ठीक है, और भाई व्यूज़ आने चाहिए, व्यूज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, मेहनत नहीं छोड़नी मैंने अपनी, ये अभी मैंने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। देखें जी, हल्का हल्का सूख रहा है ना। ठीक है, इसको हल्का हल्का 1 मिनट 2 मिनट छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा कोई कपड़ा सॉफ्ट सा लो, ये मेरे पास सॉफ्ट कपड़ा एक पड़ा हुआ था, तो इससे मैं अब इसमें भी शाइन निकालूंगा और फिर उसके बाद इसको मैं फिटिंग करूंगा। चलें जी, अभी इसका टाइम हो गया इसको साफ करने का। ठीक है, क्राउन को देखें कैसे साफ कर रहा हूं मैं, इसको भी जल्दी जल्दी से मैं कर देता हूं, फिर दिखाता हूं फाइनल लुक। देखिए जी, सॉरी मैं क्राउन लगा हुआ हूं, मगर बोलते क्रोन है। ठीक है, अब ये देखें शीशे में रिफ्लेक्ट देखें लाइट का कैसे चमक मार रही है। ठीक है, A1 हो गया है। अभी दूसरे साइड का भी कर लूंगा और इसको फिट कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, फाइनल लुक आप मेरी लाइट्स की देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो अंदर जो शेड्स नज़र आ रहा है वो मेरे फ्लैश लाइट की है, अदरवाइज साइड से दिखाता हूँ। तो देखें जी, भाई ने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट तो सामने आना ही था ना। अभी दूसरी भी दिखा, ये देखें, ये दूसरी लाइट को देखें जी कैसे शाइन मार रही है माशाल्लाह से। ठीक है, तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती मेरे भाइयों, मेहनत करो, खुद ही करो, उसका सिला ज़रूर मिलता है। ये देखो, तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई, बहुत मेहनत करता हूं, अल्लाह उसका सिला जरूर देता है। ठीक है, मगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बस और कुछ नहीं कह सकता भाई। आप लोगों के लिए भी करता हूं और अपने लिए भी करता हूं, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी है इसलिए मुझे मेहनत करनी है और प्यार से रखता हूं। आप भी अपनी मेहरान को प्यार से रखा करें। तो अल्लाह हाफिज़।